सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का फ्लाइंग व्हेल कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग। इस फोटो का हम पिक्सेल एप्लीकेशन में कुछ इस तरह का एडिट करेंगे और लाइटरूम एप्लीकेशन में कुछ इस तरह का रिटचिंग करेंगे, जो कि आप हमें देख सकते हो कितना कमाल का लग रहा है। तो अगर आपको अपना फोटो कुछ इस तरह का एडिट करना है तो अगले वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हमें पिक्सेल एप्लीकेशन में येलो बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है और पिक्सेल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे और यहाँ से आपको अपने फोटो को ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस फोटो को ऐड कर लिया है और यहाँ पे जिस पे मॉडल बैठा है उस वाला पीएनजी अगर आपको चाहिए तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे जो एक ही साथ कटआउट कर लिया था इसे, और अगर आपको फोटो कटआउट करना नहीं आता है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जिसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको अपने फोटो को कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है और यहाँ से कर देना डन। तो ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे फिर से ऐड फोटो पे जाना है और इस बार यहाँ पे जो वेल वाला पीएनजी है उसे ऐड कर लेना। तो मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे फ्लिप करना है इसे, तो फ्लिप एंड रोटेट वाला ऑप्शन पे चलते हैं और यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह फ्लिप हो गया। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जूम करके स्काई के पास इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ और इसे एडजस्ट करने से नहीं होगा, यहाँ पे मेन चीज़ हमारा टोन है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। और यहाँ पे जो इसका ओपेसिटी आपको हमें रख लेना है 70% के आसपास, ताकि हमें थोड़ा सा फेड हो जाए। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे चलते हैं इरेज वाला ऑप्शन पे और इरेज वाला ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना इरेजर पे और हार्डनेस को आपको बिल्कुल कम कर देना है। साइज़ को एक बार मैं फुल करके अप्लाई करता हूँ इसे, तो साइज़ को मैं पे रख लेता हूँ 50% के आसपास। और जस्ट आपके यहाँ पे फोटो के जो बॉर्डर से यहाँ पे साइड साइड से इस तरह से इरेज कर देना है, ताकि हमारे यहाँ पे जो पीएनजी है स्काई के साथ मर्ज हो जाए। तो इसे मैं फटाफट से कर लेता हूँ, इसका बताऊँगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लिया, देख सकते हो यहाँ से डन। नेक्स्ट आपको येलो आइकॉन है यहाँ पे क्लिक करके जो डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना, तो इसके यहाँ पे एक और लेयर आ जाएगा। इसे आपको छोटा करके इस वाले पार्ट पे एडजस्ट कर देना है और इसे एडजस्ट करने के बाद यहाँ से भी डन। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा लेंस फ्लेयर का, इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे आपका जो नेट है ये ऑन रहना चाहिए तभी आएगा। इसके बाद आपके यहाँ पे जो थर्ड में जो यहाँ पे फिफ्थ वाला लेंस दिख रहा होगा लेंस फ्लेयर, इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे जो पहला वाला डॉट है इसे आपको रखना है यहाँ पे और यहाँ पे जो दूसरा डॉट है यहाँ पे इस तरफ रखना है। फिर आप चाहते हैं यहाँ पे ओपेसिटी वाला ऑप्शन में जाकर इसके ओपेसिटी को भी कम कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसे रख लेता हूँ 83% और यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो ये कंप्लीट होने के बाद ड्रॉ टूल पे जाएंगे और थ्री डॉट वाला आइकन पे क्लिक करके सेव इमेज पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगा। और अभी हमारे फोटो में कुछ इस तरह का टोन देने के लिए हमें इस फोटो को शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो मैंने यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन में अपने फोटो को ओपन कर लिया है और लाइटरूम एप्लीकेशन को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जो लाइट्स वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको फोटो के कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देना है 45% के आसपास। फिर जो फोटो की शेडो है इसे थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे, ब्लैक्स को कर देंगे थोड़ा सा डिक्रीज, व्हाइट्स को भी डिक्रीज और हाइलाइट्स को भी डिक्रीज कर देंगे और एक्सपोजर को इंक्रीज करेंगे 0.20। तो ये तो हमारा हो गया लाइट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट हम इसके नीचे वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ पे जो मिक्स टूल है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ब्लू टोन दिख रहा होगा इसके ऊपर क्लिक करके ब्लू के सैचुरेशन को आपको डिक्रीज कर लेना है, मैंने यहाँ पे जितना करा है, और ह्यू को यहाँ पे इंक्रीज कर देना। नेक्स्ट हम ग्रीन टोन को बिल्कुल माइनस कर देंगे और येलो के सैचुरेशन को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और ह्यू को जो आप अगर यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो थोड़ा सा ग्रीन टोन आएगा, डिक्रीज करने से ऑरेंज टोन आएगा। तो हम यहाँ पे डिक्रीज करते हैं और लुमिनस को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट हम ऑरेंज के लुमिनस को भी इंक्रीज करेंगे, सैचुरेशन को भी, और ह्यू को यहाँ पे रख लेता हूँ माइनस पे। तो ये हो गया यहाँ से डन। नेक्स्ट हम फोटो के वाइब्रेंस को इंक्रीज करेंगे और इसके नीचे वाले टूल पर जाकर विग्नेट को डिक्रीज कर देंगे, क्लैरिटी को कर देंगे इंक्रीज, टेक्सचर्स को -10 के आसपास डिक्रीज कर लेना। ये हो जाने के बाद आपके यहाँ पे जो ये वाला आइकॉन है प्रोफाइल्स का इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, मतलब इफेक्ट जो कि आप अपने फोटो में यूज़ कर सकते हो। आप अपने मनपसंद फिल्टर को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया था उसे अप्लाई करने के लिए आपके यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे मॉडर्न पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे मिल जाएगा इफेक्ट मॉडर्न 6, इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो ये था वाला इफेक्ट जो मैंने यूज़ किया था, इसे आप यहाँ पे इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके देख सकते हो। मैं तो यहाँ पे इंक्रीज के साइड ही रखूँगा और यहाँ से कर दूंगा डन। तो हमारा फोटो यहाँ पे फाइनली रेडी हो चुका है, देख सकते हो बिफोर वाला पिक जो कि था पिक्सेल एप्लीकेशन में, और लाइटरूम एप्लीकेशन में रिटच करने का देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पे कितना कमाल का बन चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे शेयर वाला आइकन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है और अपने फोटो गैलरी में सेव कर लेना है। तो फ्यूचर में ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और अच्छे से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।